समझदार भेड़िया। एक भेड़िया बहुत समझदार और होशियार था। एक बार की बात है, जब वह जंगल में से गुजर रहा था तो अचानक उसे एक मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। भेड़िये ने अपने पंजे से उसकी चमड़ी उधेड़ने की कोशिश करी, परंतु क्योंकि चमड़ी बहुत सख्त थी, इसे काटना या उधेड़ना उसकी शक्ति से बाहर की बात थी। अचानक एक बब्बर शेर वहां आ गया। भेड़िया बोला, महाराज, मेरे मालिक, मैं तो बस आपके लिए ही इसकी रखवाली कर रहा था कि कब आप यहाँ आए और मैं आपको ये भेंट दे सकूं। कृपया आप इसे मेरी तरफ से स्वीकार करें। बब्बर शेर बोला, तुम्हारा धन्यवाद, परंतु तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो कि मैं किसी दूसरे के द्वारा किए गए शिकार को स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी खुशी से तुम्हारी ये भेंट तुम्हें सौंपता हूँ। और बब्बर शेर अपने रास्ते हो लिया। परंतु मुसीबत अभी खत्म कहाँ हुई थी। अब एक साधारण शेर वहाँ आ पहुँचा। वह झट से बोला, चाचा जी, आप यहाँ मौत के मुँह में कहाँ घूम रहे हैं? क्या मतलब? चाचा जी, इस हाथी को बब्बर शेर ने मारा है और मुझे इसकी रखवाली के लिए रख छोड़ा है। जाते जाते राजा जी मुझे यह हिदायत दे गए थे, अगर कोई शेर इधर उधर से गुजरे तो मुझे सूचित कर देना। अब मैं इस जंगल के सारे शेरों का खात्मा कर दूंगा। इतना सुनते ही शेर की हवा सरक गई। उसने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब तो तुम ही मुझे बचा सकते हो। अगर मेरे बारे में तुम राजा जी को सूचित नहीं करोगे तो मैं बच जाऊंगा। अच्छा तो मैं खिसकता हूँ। यह कहते हुए शेर रफूचक्कर हो गया। उसके जाने भर की देर थी कि एक चीता वहां आन पड़ा। भेड़िये ने मन ही मन सोचा कि इसके दांत बड़े नोकीले हैं, क्यों ना हाथी की चमड़ी इसी से कटवा लूं। बस फिर क्या था, वह झट से बोला, क्यों भांजे, कहां रहे इतने दिन, बड़े समय से नजर नहीं आए, और क्या बात, बड़े कमजोर और भूखे लग रहे हो। देखो, यह जो हाथी है इसे बब्बर शेर ने मारा है, मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा गया है, परंतु यदि तुम इस हाथी का स्वादिष्ट मांस खाना चाहते हो तो जल्दी से इसमें से चीर कर खा जाओ, परंतु जल्दी करना, कहीं राजा जी ना आ जाएं। चीता बोला, नहीं मामा जी, मुझे लगता है ये मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं। परंतु भेड़िये ने फिर एक चाल चली, सुनो भांजे, हौसला रखो और खाना शुरू करो। जैसे ही बब्बर शेर मुझे दूर से दिखाई देगा मैं तुम्हें उसके आने की खबर दे दूंगा, बस झट से भाग जाना। तो बस फिर क्या था, चीता भेड़िये के झांसे में आ गया और हाथी के पास पहुंचा। उसने जैसे ही हाथी की चमड़ी को उधेड़ा, भेड़िया चिल्लाने लगा, भांजे फूट लो, शेर आ रहा है। झट से चीता 9-2-11 हो गया। इस तरह भेड़िये ने लंबे समय के लिए अपने भोजन का प्रबंध कर लिया। अकलमंदी से मुश्किल काम भी आसान किया जा सकता है।